जैसे टाउन जंक्शन रोड पर है, वहाँ पे नाली ऊंची है, जो है रैंप बने हुए हैं, उसकी वजह से भी पानी सड़क के ऊपर इकट्ठा होता है। तो पानी निकासी का दायित्व नगर परिषद का है। दोस्तों हनुमानगढ़ जंक्शन के माँ 20 वर्षा हूँ, एक समस्या चालन लाग रही, जनता भी समस्या ना लेर काफ़ी परेशान दिखती नजर आएगी। वह मुख्यमंत्री शो गहलोत एक झटके हूँ समाप्त कर दीजिए है। वह समस्या के है और बिंगो निदान किया हो है, सारी इन खबर के माँ बे बतावाला। और हनुमानगढ़ जंक्शन में 10 करोड़ री स्वीकृति मुख्यमंत्री दे दीजिए है, बिंगे माँ के काम हो गया वह भी थाने बतावला। तो हमारे साथ बने रहियो थे, चलो फिर थाने आगे पूरी खबर सुना वाला। हनुमानगढ़ नगर परिषद क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार 10 करोड़ रुपए राशि की 6 सड़कें जो है, पूर्व में जो श्रीमान जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी कमेटी द्वारा चिन्हित की गई थी, उनकी स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इसके अंदर लोन लेकर के और ये कार्य एजेंसी इसके अंदर सार्वजनिक निर्माण विभाग को बनाया गया है। इसमें 6 सड़कें चिन्हित की गई थी 10 करोड़ की राशि से, जिसमें मुख्य रूप से एक सड़क तो हमारी जोड़किया फाटक से लेके जो अभी गंगानगर में रोड के ऊपर अंडरब्रिज बना है सर्जरी के सामने से, वो सड़क है जिसकी लंबाई लगभग 1.85 किलोमीटर है, 2.25 करोड़ रुपए की राशि से स्वीकृत हुई है। इसके अलावा जो 100 फीट रोड है हमारी ये जाती है सरेशिया के अंदर, उस सड़क का जो बाईपास से मिलान वाला भाग है वो लगभग 800 मीटर का टुकड़ा है, उसमें 1.85 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उसमें डिवाइडर का निर्माण जो नगर परिषद द्वारा किया जाएगा और दोनों तरफ सड़क का निर्माण जो है बाईपास तक पीडब्ल्यूडी द्वारा किया जाएगा। और इसके अलावा अबोर बाईपास से हाउसिंग बोर्ड मॉडल टाउन सर्कल होते हुए रेलवे लाइन तक, इसके अंदर नर्सिंग कॉलेज के आगे से भी और श्रीदेवी पॉलिटेक्निक कॉलेज है इसके पास भी सड़क बनेगी। ये लगभग कुल मिलाकर 3 किलोमीटर की लंबाई की सड़क है और इस पर लगभग 3.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त एक सड़क है जो मेडिकल कॉलेज के सामने से लेकर के जो प्रस्तावित हॉस्पिटल है उसको ज्वाइन करने की रेलवे लाइन तक, वो लगभग 1.25 किलोमीटर की सड़क है, इसके लिए 90 लाख रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। टाउन गुड़ मंडी के अंदर कुछ लिंक सड़कें हैं, उनकी लंबाई लगभग 800 मीटर है, उसके लिए भी 90 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। और इसके अलावा भद्रकाली रोड पर 13 HMS की आबादी क्षेत्र है जो, वहाँ पर लगभग 500 मीटर की लंबाई की सड़क है जिसके लिए 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार ये 6 सड़कें हैं जो लगभग 8 किलोमीटर लंबाई की हैं और इसके लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें अधिकतम सड़कों के अंदर लगभग 7 मीटर चौड़ाई की सड़कें बननी हैं और जो ये बाईपास वाली सड़क है इसके ऊपर 5.5 मीटर की दोनों तरफ सड़कें बनेंगी। टाउन में गुड़ मंडी और भद्रकाली एरिया में सड़क बननी है, वो भी 5.5 मीटर चौड़ी सड़क बनेंगी। और इन सभी सड़कों के कार्यादेश जारी कर दिए हमने और शीघ्र ही इन पर निर्माण कार्य प्रारंभ। ये लगभग 6 महीने का अंतराल में सभी सड़कें पूरी करने का जो है लक्ष्य रखा गया है, 6 महीने में ये सभी सड़कें। दोस्तों सड़क कोई भी बनावे, चाहे नगर परिषद बनावे चाहे PWD बनावे, पर सब बड़ी समस्या आवे कि पानी निकासी रे जो लेवल है नाली और सड़क करो जो तालमेल है वह बैठन को नहीं लाग रहे हो। PWD जी की सड़क बनाई है या फिर नगर परिषद वाला सड़क बनाई है, नालियों का जो तालमेल है भी सड़क रे सागे होना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वह पानी निकासी होवे को नहीं, फिर सड़क जल्दी टूट जावे। इन बारे में जब अनिल अग्रवाल एक्सिन PWD हूँ सवाल करियो तो वांगो के जवाब है वह भी थाने सुना दिया, सुनियो जरा। हम नगर परिषद समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ भी कहीं पानी निकासी की समस्या है वहाँ पर नाली को नीचा किया जाए या निकासी की जो पूर्ण व्यवस्था की जाए, कुछ जगह शोल्डर की आवश्यकता है, जैसे टाउन जंक्शन रोड पर है वहाँ पे नाली ऊंची है तो अधिकतर वहाँ पे जो है रैंप बने हुए हैं उसकी वजह से भी पानी सड़क के ऊपर इकट्ठा होता है। तो वहाँ भी हमने उनको निवेदन किया था, उन्होंने शायद एक निविदा टेंडर भी लगाए थे इंटरलॉक लगाने के, तो इंटरलॉक लग जाए तो रैंप इत्यादि हट जाए तो एक तो पार्किंग की समस्या खत्म हो जाएगी वहाँ पे और दूसरा वहाँ पे जो है पानी निकासी का भी कुछ समाधान हो सकेगा उसके लिए। इसी प्रकार अन्य सड़कों भी जहाँ भी हमें लगता है कि पानी निकासी की समस्या है हम उनसे पूर्ण समन्वय बना करके कोशिश कर रहे हैं पानी निकासी की व्यवस्था हो सके, पानी निकासी का दायित्व नगर परिषद का।
तो दोस्तों 20 साल जी की समस्या चलन लाग रही वह सरस डेयरी रोड है, न तो नगर परिषद बनान लाग रही थी पहले, न फिर रिको, दोनों जी की एजेंसी हैं वह इन सड़क ने अपने अधिकार क्षेत्र में मानन को नहीं लाग रही। इन वास्ते 20 साल इं पड़ी और लोग खड्डा के माँ कर अठों गुजरता, परेशानी होती। पर मुख्यमंत्री अब बजट में घोषणा कर इन सड़क रो बनान रो उपरालो कर दी जो है। दूसरा सौपटी रोड है, बिंगो कनेक्शन बाईपास को नहीं होने लाग रहे हो, वह भी अब सड़क पूरी बन जासी और टुकड़ो है जी को बचड़ो वह ई मुख्यमंत्री घोषणा जी की 10 करोड़ की हनुमानगढ़ जंक्शन और टाउन के माँ सड़क बनान ने दी है, बिंगे माँ शामिल कर लियो है। और दोस्तों 6 महीना के माँ माँ आ काम पूरो हो जावे लो, फिर आज की समस्या जनता ने आन लाग रही वह अपने आप ही दूर होवेला। दूसरी तरफ आप देखा तो नगर परिषद और PWD जी की सड़क बनावे नालियों जी को बिंगो तालमेल है वह बैठन को लाग रहे हो। ई बिठाण खातर अनिल अग्रवाल ही कहे हुआ है कि नगर परिषद अधिकारियों में समय समय बातें तो करा और नगर परिषद अधिकारियों ने भी चाहिए कह जी की सड़क ए बनाए। इनके साथ साथ है जी की नालियों का निर्माण होवे, बिंगो लेवल और सड़क रो लेवल देख रहा अगर बढ़ाया जावे तो पानी निकासी की समस्या है वह सदा वास्ते दूर हो सके। फिर सड़क जी की आप नहीं बढ़ावा वह बार बार भी कोनी टूटेली और फिर जनता ने रात मिलेगी। अब देखा नगर परिषद और PWD दोनों तालमेल कर किया सड़क और नाली रो निर्माण शहर के अंदर आगे आने वाले समय में करवावेला। तो दोस्तों गुरदेव सिंह सैनी रो सगला ने राम राम।